खबर जशपुर से है, जहां विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर कुनकुरी नगर पंचायत विधायक यूडी मिंज भी शामिल हुई। इस दौरान बारिश के बीच आदिवासी महिलाओं ने मनमोहक आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं इस रैली में पहले रैली पहले निकाली गई। वहीं रुककर अगली खबर का राजधानी रायपुर से मिल रही है। उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा का हाल यहां पर बेहाल है। इसका नजारा शासकीय आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है। यहां फार्मेसी के छात्रों ने लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था नहीं है। 24 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, जिसके चलते छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी के छात्र बदहाली को लेकर अपनी मांगों के लेकर 11 दिन से प्रदर्शन पे हैं, लेकिन आज तक कोई प्रशासन या प्रबंधन के लोग इनसे सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। इनकी मांगे क्या है, आइए इनसे जानते हैं। आपकी क्या मांगे हैं? आप 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हम लोग लगातार 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे है कि हमारे क्लास निरंतर प्रारंभ हो और हमारे कक्षे में लैब आए, फैकल्टी आए, लाइब्रेरी हो। सर, हम लोग ये सब गुहार वीसी रजिस्ट्रार सबसे लगा चुके हैं सर, लेकिन वो लोग हमारी मांगे पूरी नहीं कर सके हैं। और इस सिलसिले में हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं और उनको बार बार लेटर भी दे चुके हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अभी तक सर हम लोग को उसे मिलना नहीं चाहते, और राज्यपाल महोदया को भी हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए लेटर दे चुके हैं, लेकिन वहां से अभी तक कोई अपडेट ही नहीं आया है सर। इसलिए हम लोग आज मुख्य मार्ग में रैली निकाल रहे हैं सर, रविशंकर यूनिवर्सिटी से आमा नाका तक। तो अभी आपने उन सभी छात्रों को सुना जिनका कहना है कि यहाँ बदहाली का आलम है, उनको लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, इनके भविष्य खतरे में है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी बीच